यूपी का एग्जिट पोल तो फर्जी निकला, मिले ऐसे सबूत की खुल गई सारी पोल। इन 5 सबूतों ने सारा सच कर दिया उजागर। मैनेज एग्जिट पोल में बीजेपी को मिली जीत, लेकिन हकीकत में सपा को ही मिलेगा बहुमत। देखिए खबरिया चैनल्स के एग्जिट पोल की कैसे निकली हवा, देखिए क्यों नतीजे एग्जिट पोल जैसे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासी फजाओं में एग्जिट पोल आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है, लेकिन एग्जिट पोल देखने के बाद सियासी जानकारों ने जिस तरह से इसे फर्जी करार दिया है वो खबरिया चैनल्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाकर खबरिया चैनल्स कल से खूब टीआरपी बटोर रहे हैं, लेकिन अब सियासी जानकारों ने 5 ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनसे एग्जिट पोल की पोल खुल गई और जो दावा किया जा रहा था कि एग्जिट पोल फर्जी है उसको हकीकत साबित कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव हुआ, तो फिर हम आपको एक एक पहलू बताएंगे और समझाएंगे कि एग्जिट पोल फर्जी क्यों है और सियासी जानकारों ने क्यों इस एग्जिट पोल को नतीजों में परिवर्तित न होने का दावा किया है। सियासी जानकारों की माने तो नतीजे एकदम उलट होंगे और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। अब देखते हैं कि एग्जिट पोल की पोल आखिर कौन से पहलुओं ने खोली और कैसे सियासी जानकारों ने इसकी हवा निकाल दी। पहलू नंबर 1, अपने ही दावे पर नहीं टिके चैनल। याद करिए वो दौर जब खबरिया चैनल्स ने ओपिनियन पोल दिखाने शुरू किए थे और कैसे पहले बीजेपी की लोकप्रियता दिखाई गई थी और बाद में अखिलेश यादव को रेस में आगे बढ़ते दिखाया गया था और दावा किया जा रहा था कि जब तक चुनाव होंगे तब तक अखिलेश यादव रेस में सबसे अव्वल आएंगे और सबसे अव्वल साबित भी होंगे। अब खुद अपने ही दावे पर खबरिया चैनल्स ने सवाल उठा दिए और एग्जिट पोल में बीजेपी को जिताते हुए सपा को हरा दिया। ये पहलू बताता है कि एग्जिट पोल को मैनेज किया गया है। पहलू नंबर 2, पहले बताया कमजोर और अब मजबूत। पहले चरण से लेकर तीसरे चरण के मतदान तक खबरिया चैनल सपा को बंपर बढ़त दिखाते रहे और बीजेपी को बड़ा नुकसान होने का दावा करते रहे, यहां तक कि बीजेपी को तो रेस के बाहर ही बता दिया था। लेकिन कल जब एग्जिट पोल पेश किए तो पहले 3 चरणों में ही उसी सपा को कमजोर दिखा दिया जिसे पहले खबरिया चैनल्स फाइटर बता रहे थे और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी को ही मजबूत बता रहे हैं, जो दावा सवालों में आ जाता है। पहलू नंबर 3, अपने ही सर्वे को साबित किया झूठा। एग्जिट पोल कैसे तैयार किया, इस सवाल पर खबरिया चैनल्स ने जवाब दिया कि मतदान करके निकलने वाले मतदाताओं से कुछ सवाल पूछे गए और उनके आधार पर एग्जिट पोल को तैयार किया गया और मतदाताओं के जवाब से संकेत मिला कि बीजेपी जीत रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि मतदान करके निकलने वाले मतदाताओं से ही बात करके पहले 3 चरणों में ये चैनल बीजेपी की हार का दावा और सपा की जीत का दावा कर रहे थे, तो कैसे भरोसा किया जाए कि ये एग्जिट पोल फर्जी नहीं है और जो दावा किया जा रहा है वो दावा गलत नहीं है। पहलू नंबर 4, बीजेपी के नेताओं का खदेड़ा। मतदान से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी नेताओं का गांव-गांव में विरोध किया जा रहा था, वीडियो वायरल हो रहे थे, उससे संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी पर सपा आरएलडी गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी पड़ रहा है, लेकिन एग्जिट पोल में उन्हीं क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त का दावा किया जा रहा है जो गले से नहीं उतरता। पहलू नंबर 5, बीजेपी के मंत्रियों के लेटर बम। मतदान के दौरान तमाम बीजेपी के नेता ऐसे थे जो बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए लेटर लिख रहे थे, जिसमें योगी सरकार में मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने खुद लेटर लिख लिख कर कहा था कि उनके क्षेत्र में बूथ को कैप्चर किया गया और मतदान प्रभावित हुआ है, और इस पहलू के सामने आने के बाद बीजेपी की हार का दावा खबरिया चैनल्स ने किया था, लेकिन अब बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या वो लेटर जो लिखे गए वो फर्जी थे, ये सवाल खड़ा होता है। तो ये वो 5 पहलू हैं जो बताते हैं कि एग्जिट पोल सही नहीं है और नतीजे इससे एकदम अलग आएंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगी और हो सकता है कि एग्जिट पोल सही भी साबित हो जाए और हो सकता है कि नतीजे इससे अलग निकल कर सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।